अगर कि बच्चे को एडमिशन मिलता है तो स्कूल में अच्छा एडमिशन मिलता है, तो मुझे वो फीलिंग आती है कि जब मैं देखता हूँ कि सारे के सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, सारे के नए एक्टर जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यार आई थिंक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, 2016 भी बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है क्योंकि अलीगढ़ की बहुत तारीफ हुई और फिल्म की तारीफ हुई। अलीगढ़ मेरे लिए बहुत स्पेशल फिल्म है क्योंकि मैंने हंसल सर के साथ शायद भी किया है और बहुत सारा फिल्म के साथ ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसके अंदर जो जिस तरह का इशू को उन्होंने उठाया और जिस तरह से इसकी कास्टिंग किया तो बहुत मज़ा आया। एंड आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि अभी अलीगढ़ की सक्सेस पार्टी हो रही है, कल दंगल रिलीज होने वाली है, तो पूरा माहौल जो है बहुत थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है। क्या खास बात होती है इसकी कास्टिंग आप प्लान करें? यार वो जैसे एक फादर के बच्चे को एडमिशन मिलता है तो स्कूल में अच्छा एडमिशन मिलता है, तो मुझे वो फीलिंग आती है कि जब मैं देखता हूँ कि सारे के सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, सारे के नए एक्टर जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे आई फील लाइक अ फादर जिसके बहुत सारे बच्चे इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं। वेरी एक्साइटेड यार, मैंने दो बार दंगल देखे, इतना खुश हूँ दंगल को देख के मैंने, क्योंकि आपकी हर फिल्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दंगल बहुत ही स्पेशल फिल्म है, कम से कम एक साल लगा उसकी पूरी कास्टिंग करने में, पूरे प्रोसेस में, और जिस तरह से नितेश तिवारी और आमिर सर ने सपोर्ट किया, तो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड। जाना चाहिए यार ऑस्कर में, जाने चाहिए ऑस्कर, जाने लायक है। आप सब देखेंगे आप ही बता पाएंगे कि ऑस्कर जाने चाहिए कि नहीं। मुझे तो लगता है कि बिल्कुल जाने चाहिए, बिल्कुल जाने चाहिए। थैंक यू।